नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम हैं बिल्लू भाई पराठे वाले के पास। ये है हरिद्वार की गलियों से निकलते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं बिल्लू भाई पराठे वाले। बहुत छोटी सी शॉप है, घर और शॉप दोनों साथ साथ ही हैं, तो सुबह जल्दी शुरू कर देते हैं ये अपना कार्यक्रम। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएं तो एग्जैक्ट लोकेशन है बड़ा बाज़ार हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत के अंदर। दोस्तों क्या खाना है यहाँ पर, स्टफ्ड पराठास जो हैं वो बहुत फेमस हैं। स्टफ्ड पराठास बेसिकली होते हैं जिसके अंदर कई तरह की सब्जियाँ डाल के पराठे को बनाया जाता है और उसको फिर तेल, घी, बटर, जिसमें भी आपको स्वाद लगे उसके अंदर सेका जाता है तवे के ऊपर। वही स्टफ्ड पराठा यहाँ पर फेमस है। थाली हमने इसलिए बोला क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि एक दो सब्जियाँ भी उसके अंदर देते हैं पराठा के साथ, जो उसको एक थाली बना देता है। अचार वगैरह भी होता है। बहुत पुरानी शॉप है, लोग पसंद करते हैं। हमें भी किसी एक मशहूर शॉप ने ही बताया कि यहाँ पर ये वाली भी एक शॉप है जहाँ आप जा सकते हैं, कहीं जगह फीचर हुए हैं ये इंटरनेशनल सीरीज़ के अंदर, तो इस वजह से हम यहाँ पर पहुँचे और हमने भी इस जायके को लेने का सोचा। आप देख सकते हैं किस तरह से वो पीटी पड़ी हुई है, वो भरने के लिए आलू बड़े हुए हैं। हमने सबसे सेफ़ अप्रोच पे चले, हमने कहा आलू पराठा ही हम लेंगे, तो वही अब ये बनाने की प्रोसेस चल रहा है। कोशिश करें क्योंकि काफ़ी नैरो लेन्स हैं, काफ़ी गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए आप प्रेफरेबली बाय वॉकिंग जाएं, बाज़ार देखते हुए जाएं आसानी से। डिस्क्रिप्शन में आपको लेटेस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो हमने लेटेस्ट जिस टाइम तक का डाला है वहाँ पे डेट भी लिखी हुई होती है। सभी दिन सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक। दरअसल जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ये टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं, बट दरअसल मोटा मोटा यही टाइमिंग जो उन्होंने हमें बताया रहता है। पराठे का साइज़ जो था वो छोटा नहीं था, पतला था, लेकिन पराठे का साइज़ बड़ा था। स्कोर कार्ड को जिस तरह से टेस्ट में 7.5, वैल्यू फॉर मनी 8.5, हाइजीन 7, सर्विस 8.5, ईजी टू अप्रोच 7.5 और फूड क्वालिटी में हम इनको देते हैं 7। ये तो था हमारा स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पराठा, अभी उन्होंने पराठे के ऊपर तेल डाला है, हमने उनसे कहा कि बटर पराठा, लेकिन उन्होंने कहा उस समय उनके पास बटर अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने तेल पराठा ही कहा। उन्होंने कहा तेल भी जो है वो अच्छा तेल है, ऐसे लोकल तेल नहीं है, तो इस वजह से हम तेल का पराठा भी हमने चखने को हाँ कर दिया। तो टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, वो सब्जी है जो सब्जी के साथ उन्होंने हमें, आलू की सब्जी थी इस सब्जी के साथ उन्होंने हमें अचार के साथ इसको परोसा। तो जहाँ तक टेस्ट की बात है, बहुत बेसिक टेस्ट था, एक आम आदमी का टेस्ट था, कोई हाई फाई टेस्ट नहीं था। लेकिन कभी कभी इस तरह का खाना भी पसंद आता है, और वो भी गंगा घाट पर हरिद्वार के अंदर आपको इस तरह का स्वाद भी चखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बेसिक स्वाद है और दाम भी इतना ज़्यादा नहीं है। मैं कहूँगा हर बंदे की पॉकेट का खाना जो था ये, तो ज़रूर चखिएगा, जाइएगा, ये स्वाद भी एक बार लेकर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना दोस्तों कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही हमारी मोटिवेशन बनती है और उसी से ही हम नई नई जगह जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पंजाब, उत्तराखंड, काफ़ी जगह हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी स्टेट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ये स्वाद जो है वो चखा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आर वीडियोज़, हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।